गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थॉमस ग्रे जो हैं वो कौन सी एज के हैं। हमने उनकी रोमांटिक और प्री रोमांटिक एज के बारे में जाना था, थोड़ा सा थॉमस ग्रे के बारे में जाना था, कुछ हमने एलिजी के बारे में जाना था, एलिजी क्या होती है, और थॉमस ग्रे की ये जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन एक एंटी चर्चयार्ड, ये किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो एलिजी हैं उनसे ये डिफरेंट है, हम इन बातों को कर चुके थे। अब थोड़ा सा ये जो एलिजी है, इस वीडियो में हम उसके सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, इस एलिजी का सामान्य परिचय देंगे और उसके बाद हम आगे अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी द एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स इन द इंग्लिश लिटरेचर। संपूर्ण अंग्रेजी साहित्य जगत में जो श्रेष्ठ कविताएं हुई हैं उनमें से एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता रही है ये, ग्रे के द्वारा लिखी हुई। इट इज़ मेनली ऑन दिस पोएम दैट सिर्फ और सिर्फ देखिए प्रमुख रूप से द पॉपुलरिटी एंड रेपुटेशन ऑफ ग्रे, कि ग्रे कवि जो रहे हैं जिनकी ये रचना है उनकी जो प्रसिद्धि रही है और उनकी जो प्रतिष्ठा रही है सिर्फ और सिर्फ एक कवि के रूप में इस कविता के ऊपर ही आधारित है। कहा गया है इट इज़ मेनली ऑन दिस पोएम दैट द पॉपुलरिटी एंड रेपुटेशन ऑफ ग्रे एज ए पोएट सिक्योरली रेस्ट, इसी कविता पर निहित है इसकी प्रतिष्ठा और इसकी ग्रे की प्रसिद्धि। थॉमस ग्रे बिगेन राइटिंग दिस पोएम इन 1742, नोट दिस पॉइंट, 1742 में लिखनी उसने शुरू की थी एंड फिनिश्ड इट इन 1750 और 1750 में पूरी की। देखिए हमारे पास पूरा 8 साल का समय आ रहा है बीच का, तो इसने लिखनी, इसके चाचा की डेथ हुई थी तब तो इसने लिखनी शुरू की थी और पूरी की जब इसके एक फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट की डेथ हुई, उस समय इसने इसको बाद में दोबारा लिखा और इसने पूरा किया, तो 8 साल का समय इसको लिखने में लगा। आफ्टर फिनिशिंग इट, और इस कविता को पूरा करने के बाद, ही सर्कुलेटेड इट अमोंग हिज फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों तक इसने इसको भिजवाया। इट वॉज पब्लिश्ड ओनली इन 1751, ध्यान देंगे 50 में लिखी गई, फिर 51 में ये प्रकाशित हुई। When Gray came to know, और उसे पता चला ग्रे को, दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रिंटेड अंडर समवन एल्स नेम, कि इस कविता को तो किसी दूसरे के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। द पोएम इमीडिएटली ग्रू पॉपुलर, और तुरंत ही इस कविता को मिली बड़ी जबरदस्त प्रसिद्धि एंड रैन इनटू 11 एडिशन विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में इसके 11 प्रकाशन निकल गए अन्य भाषाओं में भी। ये तो इसकी कविता की बात हुई, अब हम इसका ये बैकग्राउंड देखेंगे कि ग्रे को ऐसा क्या विचार आया, क्या चीज़ थी, किस चीज़ से ये इंस्पायर होके इस कविता को लिखने के लिए तैयार हुआ, इसके माइंड में ऐसी क्या बात थी। तो देखिए, ग्रे वाज इंस्पायर्ड टू राइट द एलिजी बाय द सैड एंड अनटाइमली डिमाइज ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। इसका एक बहुत ही क्लोज निकट मित्र था रिचर्ड वेस्ट, उसकी असामयिक मृत्यु पर, अचानक असामयिक मृत्यु पर ये प्रेरित हुआ उस मृत्यु को देखकर इस कविता को पूरा करने के लिए और लिखने के लिए, और उसी की डेथ के साथ इस कवि का जो आनंददायी जीवन का अध्याय था वो भी समाप्त हो गया। कहा भी गया है द चैप्टर ऑफ ए प्रॉमिसिंग लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे वॉज क्लोज्ड एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट।
हमने देख ही लिया इसको लिखना 41 में शुरू किया था, लेकिन पूरा फिर इसने 50 में किया इस रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु के बाद। द पोयम ट्रांसेंड्स द फीलिंग ऑफ पर्सनल ग्रीफ। देखिए अब अपन ने देखा इसके मृत्यु की, इसके दोस्त की मृत्यु हुई थी तो ये व्यक्तिगत दुख से भरा हुआ था, लेकिन ये कविता हमें व्यक्तिगत दुख से लेके जाती है एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल रिग्रेट, एक वैश्विक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए पश्चाताप के लिए। कौन कौन लोगों के लिए? फॉर दोज हु वेस्ट देयर फ्रेग्रेंस ऑन द डेजर्ट एयर, उन संपूर्ण लोगों के लिए। डेथ तो सिर्फ इसके मित्र की हुई है, लेकिन देखिए इस कविता की जो भावनाएं हैं हमें लेके जाती हैं हमें विश्व में उन लोगों के लिए जिन लोगों ने के पास बहुत सी योग्यता थी, लेकिन उनकी योग्यता जो है वो सबके सामने नहीं आई। कहा गया है कि जिन्होंने अपने सुगंध को सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान में बखेरा हो, अर्थात जिसको काम में लेने वाला, सुनने वाला, उपयोग में लेने वाला, उनसे प्रेरित होने वाला कोई ना हो, ऐसी जगह उनकी योग्यता दिखाई दी है, अदरवाइज लोगों के सामने उनकी योग्यता, उनकी विशेषता नहीं आ पाई है। उन लोगों के लिए कभी दुख व्यक्ता हुआ, दुख व्यतीत व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोयम द पोएट ड्रॉज ए पैथेटिक पिक्चर ऑफ दोज, पहले पार्ट के अंदर उन लोगों के प्रति एक बड़ी सहानुभूति, एक दयाभूतिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, अननोन जो अज्ञात रहे, एंड अनसंग विलेज फॉक और जिनके लिए कोई लोगों ने ग्रामीण गीत नहीं गाया, लाइंग अंडर द डस्ट जो अपनी कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, हु हैड टैलेंट्स उनमें प्रतिभा थी, उनमें योग्यता थी, विच फाउंड नो अपॉर्चुनिटी टू फ्लावर, जिसको कोई फूल नहीं मिला अपनी सुगंध दिखा फैलाने के लिए। देखिए मेटाफर में बात की गई है, यहाँ कह रहे कि वो लोग आज कब्र में पड़े हुए हैं, उनके पास सुंदर बहुत बढ़िया योग्यता थी, बहुत प्रतिभा थी, लेकिन उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, कोई समय नहीं मिला। सम अमोंग देम, हो सकता है उनमें से कुछ लोग, कवि कहता है, वर एज स्पिरिटेड एज हेमडन, हेमडन जैसे जोशीले लोग भी इसमें हो सकते हैं, हु हैड वाइड स्प्रेड फेम, वो हेमडन जिसको विश्वव्यापी एक तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी एज ए लीडर, नेता के रूप में, इन द रीजन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट के साम्राज्य के दौरान उसको वैश्विक नेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। सम हैड द जीनियस ऑफ प्रॉपर्टी, फिर वो कहता है हो सकता है कि इनमें से गांव के लोग जो कब्र में पड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के पास काव्य की प्रतिभा हो, काव्यगत प्रतिभा हो, एंड कुड बी एज ग्रेट एज द पोएट मिल्टन, और हो सकता है इस कब्रों में मिल्टन जितना कोई महान कवि हो सकता है, लेकिन उसको भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का समय और स्थान नहीं मिला। सम इवन हैड पेट्रियोटिक फीलिंग, हो सकता है इनमें से जो लोग हैं उनके उन लोगों के पास देशभक्ति की भावनाएं हों, इक्वल टू दोज ऑफ कॉर्नवेल, कॉर्नवेल की ही भांति, दे वर इन ए वे इवन सुपीरियर टू कॉर्नवेल, हो सकता है किसी ना किसी तरीके से वो कॉर्नवेल से भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहे हों। दीज पीपुल रिमेन ऑब्सक्योर, लेकिन ये व्यक्ति छिपे हुए, छद्म रहे, अस्पष्ट रहे, एज दे गॉट नो अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट एंड मेरिट, क्योंकि इनको कोई अवसर नहीं मिला अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए। द पोएट लेमेंट्स दिस वेस्ट ऑफ एबिलिटी एंड टैलेंट्स, और कवि इस प्रतिभा और योग्यता पर की बर्बादी पर अपना दुख, अपना पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। द पोएट नेक्स्ट सेज, इसके आगे वो कहता है दैट कि दोज दिस पीपल हु डिड नॉट नो अपॉर्चुनिटी, वो लोग जिनको कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ टू डिस्प्ले देयर गुड अपॉर्चुनिटीज, अपने श्रेष्ठ अवसरों को प्रदर्शित करने का, नाइदर डिड दे हैव एनी स्कोप फॉर मिस यूजिंग देयर टैलेंट्स, लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी प्रतिभा का किसी तरीके से गलत यूज़ भी नहीं किया, मिस यूज़ भी नहीं किया है।
दे नो डाउट रिमेन्ड ऑब्सक्योर, निसंदेह वो अस्पष्ट रहे, छिपे हुए रहे, छद्म रहे, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी के साथ दे वर फ्री फ्रॉम वाइसेस एंड क्राइम, वो बुरी लतों से और अपराधों से भी बहुत दूर रहे। टू विच द एमिनेंट पर्सन, क्योंकि ये अपराध और ये बुरी लतें होती हैं उन योग्य व्यक्तियों में होती हैं, आर ऑफन प्रोन, बड़े योग्य व्यक्तियों के अंदर जो अपने आप को बहुत प्रतिभावान मानते हैं उनके अंदर ये बुरी लत और अपराध करने की भावनाएं अक्सर आ जाती हैं। डेस्टिनी दस सेव्ड, इस प्रकार से उनके भाग्य ने फ्रॉम उनको बचा लिया फ्रॉम द इविल वाइसेज, बुरी गंदी लतों से। वॉन्ट ऑफ स्कोप केप देम अवे फ्रॉम ग्रेटनेस, और महानता की जो एक महत्वाकांक्षा महान बनने की हर इंसान में रहती है, उस इच्छाओं से भी उनको दूर रखा गया, एज वेल एज फ्रॉम इविल वेज, जितना बुरे तरीकों से बुरे रास्तों से ये दूर रहे तो ये प्रसिद्धि के रास्ते से भी उतने ही दूर रहे। हालांकि इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो इनको अपने बुरी लतों को भी प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इनके अंदर बुरी लत आई नहीं, इनके अंदर अपराध करने की भावना आई ही नहीं। अब हम इसके आगे बात करेंगे, द एलिजी एंड्स विद एन एपिथेट। ये एक एपिथेट, एपिथेट होता है एक एपिटेफ, शिलालेख, पत्थरों पे लिखे हुए जो लेख होते हैं उसको हम शिलालेख कहते हैं, और कविता उसी एपिटेफ के साथ समाप्त होती है। ऑन द पोएट सपोज्ड, ऐसा माना जा रहा है, कल्पना की जा रही है, द पोएट सपोज्ड टू बी रिटन बाय ए विलेजर, कि ये चीज़ें किसी कवि, ग्रामीण कवि ने उसके ऊपर लिखी हैं शिलालेख पर। क्या द पोएट रोट दिस, यानी ये ग्रे जो हैं वो खुद के लिए अपने के लिए मान के चल रहे हैं, द पोएट रोट दिस बिकॉज, उसने ये लाइनें इसलिए लिखी बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द पुअर एंड द सिंपल विलेजर्स, कि वो अपने आप को गरीब और भोले भाले गांव वालों के साथ मिश्रित करना चाहता था और रखना चाहता था। तो इस प्रकार से ये कविता एपिटेफ के साथ समाप्त होती है। एक लेखक हुए हमारे पास प्रोफेसर जसवीर जैन, और आलोचक भी रहे हैं ये, वो इस कविता के परिचय के बारे में लिखते हैं, मैं आपको उनकी कोटेशन बताती हूँ। जसवीर जैन लिखते हैं, ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज यूनिक इन इटसेल्फ, अपने आप में बहुत ही अद्वितीयपूर्ण कविता है, फॉर क्योंकि इट डज नॉट ऑन द फैक्ट ऑफ इट, क्योंकि ये इस तथ्य पर आधारित नहीं है, मॉर्न द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए हम शोक व्यक्त करते हुए दिखाई दें इस कविता में, एज मिल्टन्स लिसिडस डस, जैसे कि मिल्टन की एक ये रही है एलिजी लिसिडस, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है, लेकिन ग्रे की कविता इस प्रकार की नहीं है। इट बिलोंग्स टू द लैंडस्केप स्कूल ऑफ पोएट्री, इसकी ये नोट दिस पॉइंट, इसकी ये जो कविता है वो लैंडस्केप पोएट्री से बिलोंग करती है, एंड हैज़ ए डोमिनेंट पेस्ट्रल एलिमेंट, और इसके अंदर प्रमुख ग्रामीण तत्व पाए जाते हैं, बट इट ऑल्सो फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ एलिजिक, लेकिन इसके अंदर ट्रेडिशनल जो पोयम है उसके तत्व भी, एलिजी जो हैं उसके तत्व भी पाए जाते हैं। कौन से तत्व हैं, जैसे फिलोसफिक रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन मॉरलिटी, एक दार्शनिक चिंतन किया है मानवीय नैतिकता पर, मानवीय गतिविधियों पर। द डेट ऑफ कंपोजिशन इज अनसर्टेन, हालांकि इस कविता के कंपोजिशन की यानी रचना की जो तारीख है वो अनिश्चित है, लेकिन इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इट वॉज रिटन क्वाइट सम टाइम बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन 1751 में, जब ये प्रकाशित हुई तो उसके कुछ समय पहले ही, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसा माना जा रहा है कि इसको 50 में पूरी किया गया था। टू इवेंट्स आर सैड टू हैव इन्फ्लुएंस, मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो घटनाएं ऐसी हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जिन घटनाओं ने प्रभावित किया है द राइटिंग ऑफ द पोएम, इस कविता को लिखने के लिए, द फर्स्ट बीइंग
द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट 1742 1742 में इसके मित्र की मृत्यु, एंड द सेकेंड द ट्रायल एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द रीबल लॉर्ड्स इन 1745 अर्थात 1745 में विद्रोही लॉर्ड्स पर मुकदमा तथा उसके बाद उसकी हत्या, इन दो घटनाओं के लिए प्रमुख रूप से इस कविता को माना जा रहा है कि इन दो घटनाओं ने कवि को प्रभावित किया और कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। तो आज हमने ये कविता का थोड़ा सा एक सामान्य परिचय देखा है। यदि हम इस सामान्य परिचय को माइंड में रखकर आगे इस कविता को पढ़ेंगे तो इसको समझना, इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है क्योंकि रोमांटिक काव्य जो है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने जो पोएट्री की डेफिनेशन दी थी और वर्ड्सवर्थ ने जो पोएट्री की लैंग्वेज के बारे में कहा था, वो कहा था कि द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ लेमैन, अर्थात पोएट्री या काव्य की जो भाषा होनी चाहिए वो एक जन साधारण की भाषा होनी चाहिए। तो ऐसा ही रोमांटिक काव्य में बराबर प्रयास किया गया है कि काव्य की जो भाषा हो सिंपल हो। इसीलिए हमारे पास एलिजी की जो भाषा है बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा हमें कविता की पृष्ठभूमि को माइंड में रखना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चन भी इसके बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें दो प्रकार के काव्यों के विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। एक तो क्लासिकल एज की काव्यगत विशेषताएं दिखाई दे रही हैं और दूसरा हमें रोमांटिक एज के काव्य की विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हम इस एलिजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।